एक लड़का जो महज 25 साल का था और उसे यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, ये संजय गांधी के लिए वफादारी का इनाम था। इस इनाम का अगला सिला था कि उसे अपने शहर से 300 किलोमीटर दूर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया और वो जीत गया। नेता बदला, वफादारियां बदली। एक नेता जिसे चचा केसरी का खास चेला कहा जाता था और जिसके दम पर चचा केसरी ने दिल्ली में बैठकर सियासत करते हुए भी अपने राजनीतिक दुश्मन जगन्नाथ मिश्र के पर कतरने की भरपूर कोशिश की। एक नेता जो टीम केसरी के लिए जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इतना अहम था कि शरद पवार मजाक में कहा करते थे, दो मियां और एक मीरा, यही कांग्रेस चला रहे हैं अब तो। एक नेता जो शरद पवार के इस तंज के बावजूद शरद पवार के साथ बागी हो गया, कांग्रेस से एनसीपी में चला गया। एक नेता जो वापस खबरों में है क्योंकि उसने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है और अंदर खाने की माने तो वो कांग्रेस में यूं ही अचानक रफाइल के मुद्दे पर शरद पवार के बयान के चलते शामिल नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी तैयारी कई हफ्तों कई महीनों से चल रही थी, क्योंकि इस नेता को पता है कि देर सवेर शरद पवार के पार, शरद पवार के बाद क्या उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिहाज से अपने चुनाव करने होंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं lallantop.com के पॉलिटिकल किस्से, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बिहार के नेता तारिक अनवर की। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के महासचिव और बिहार की कटिहार लोकसभा सीट से सांसद तारिक अनवर ने 28 सितंबर को पार्टी और लोकसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे तारिक अनवर का तर्क है कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने रफाइल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, इससे मैं आहत हूँ। क्या है तारिक अनवर की कहानी? शुरुआत 16 जनवरी 1951 को पटना में होती है, वो दिन जब तारिक अनवर का जन्म हुआ। 25 साल में 1976 में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये जिम्मेदारी तब चुनौतीपूर्ण थी, वो जेपी का दौर था, वो बिहार छात्र आंदोलन का दौर था, वो जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जैसे युवा तुर्कों का दौर था। ये छात्रों के आदर्श थे, छात्र आंदोलन चरम पर था, इमरजेंसी लग चुकी थी, कांग्रेस के विरोध में एक पूरी युवा पीढ़ी तैयार हो रही थी। और क्यों हो रहा था ये सब? क्योंकि संजय गांधी और उनकी कोठरी के तमाम लोग जिस ढंग से युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, वो जम नहीं रहा था मामला। जाहिर सी बात है, जब संजय गांधी खेत रहे तो तारिक अनवर की क्या बिसात थी। इस दौर में बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी की बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र से पटती नहीं थी। डॉक्टर मिश्र को उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्र की हत्या के समय मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। गफूर साहब की ईमानदारी के कायल कभी जेपी भी हुआ करते थे। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि जेपी पर लाठी उसी गफूर सरकार ने चलवाई थी। जब जगन्नाथ मिश्र और सीताराम केसरी का विवाद बढ़ा तो तारिक अनवर ने केसरी का साथ दिया। साल था 1978। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्ण सिंह ने इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से निकाल दिया था। दूसरी बार निकाली गई थी ये इंदिरा कांग्रेस से। तब इंदिरा ने एक नई पार्टी बनाई, उसे कहा गया कांग्रेस आई, हिंदी में इंका। उस वक्त तारिक अनवर के मेंटर सीताराम केसरी दिल्ली लाकर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनाए गए। ये करीबी तारिक को भी रास आई। 1980 में ज्यादातर टिकट लोकसभा के संजय गांधी ने बांटे और इस दौरान उन्होंने परंपरागत गणित या भूगोल का ख्याल नहीं रखा। गाजियाबाद के राजेश पायलट को चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान के भरतपुर भेज दिया गया था और पटना के तारिक अनवर को चुनाव लड़ने के लिए पटना से 300 किलोमीटर दूर कटिहार। तारिक शुरुआत में सकपकाए, लेकिन इंदिरा की लहर वापस आ गई थी और तारिक चुनाव जीत गए। उधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे साल 1981 तक, लेकिन जून 1980 में संजय गांधी का निधन हो चुका था। उसके बाद राजीव का दौर आया। तारिक राजीव के भी करीबी रहे और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। साल था 1982।
85 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस बीच बिहार में एक हत्याकांड हुआ जिसने बिहार की सियासत पर बहुत गहरा असर डाला। इसे बॉबी हत्याकांड कहा जाता है। साल था 1982, शहर था पटना और सुर्खियों में था बॉबी कांड। श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी नाम की एक लड़की थी। उसका शव पटना से 40 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में जमीन में गड़ा हुआ मिला। उस वक्त बॉबी और उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष राधा नंदन झा के कथित संबंधों की खबरें मीडिया में सुर्खियां बन रही थी। लाश को बरामद करने वाले थे तत्कालीन SSP किशोर कुनाल, जो बाद में चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहने के दौरान PMO में गठित किए गए अयोध्या सेल के हेड भी बनाए गए थे। लाश मिलने के साथ ही बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत में हंगामा मच गया। बॉबी की संदेहास्पद मौत के लिए विधानसभा अध्यक्ष राधा नंदन झा के बेटे रघुवर झा को कथित तौर पर जिम्मेदार माना गया। देश विदेश की मीडिया में महीनों इस पर बात होती रही। सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने विधानसभा अध्यक्ष के साथ खड़े रहे, मुख्यमंत्री जिनका नाम था डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। लेकिन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर इसके खिलाफ थे। वो बिहार में कांग्रेस की बदनामी के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कांग्रेस के महासचिव राजीव गांधी को लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे, नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है सर। फिर आया अगस्त 1983 और जगन्नाथ मिश्र की विदाई हो गई। उसके बाद गिद्धौर बांका का एक इलाका यहाँ के चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। इस विवाद के बाद जाहिर तौर पर राधा नंदन झा का सियासी करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया और जगन्नाथ मिश्र और तारिक अनवर के बीच की जंग हमेशा के लिए शुरू हो गई। ये जंग जो सीताराम केसरी के अध्यक्ष रहते शुरू हुई थी। आपको पता है आजकल दिल्ली में बड़ा बवाल कटता है, फलाने ने इफ्तार पार्टी की, ढिकाने ने नहीं की, इन्होंने टोपी पहनी, इन्होंने माला पहनी, इनको बुलाया, इन्होंने नहीं की। लेकिन ये इफ्तार पार्टी का चलन दिल्ली में आया कैसे? तारिक अनवर लेकर आए। जब 82-83 में वो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उन्होंने ये इफ्तार पार्टियां देना शुरू किया। 1984 में तारिक कटिहार से दोबारा सांसद बने और 1988 में जब भागवत झा आज़ाद को राजीव गांधी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, चुनाव आने वाले थे, गुटबाजी बहुत तेज थी, तब तारिक को भी बिहार भेजा गया कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव और फिर 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह खेत रही। खुद प्रदेश अध्यक्ष तारिक अनवर कटिहार से चुनाव हार गए। उन्हें हराया चंद्रशेखर के करीबी और कटिहार में भारत यात्रा केंद्र चलाने वाले जनता दल के उम्मीदवार युवराज सिंह ने। 1991 के लोकसभा चुनाव जब होने वाले थे तब अजीत सिंह और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव चाहते थे कि बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम कटिहार से चुनाव लड़ें। ऐसा ही हुआ और यूनुस सलीम ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर कटिहार से चुनाव लड़ा। तारिक एक बार फिर से चुनाव हार गए। फिर आया नरसिम्हा राव का दौर, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और नरसिम्हा राव के जगन्नाथ मिश्र से अच्छे ताल्लुक थे, सीताराम केसरी से नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इन 5 सालों में जब नरसिम्हा राव सरकार और संगठन दोनों चला रहे थे तब तारिक अनवर किनारे रहे। हालांकि चचा केसरी को किसी तरह से समायोजित कर लिया गया था, उन्हें समाज कल्याण मंत्री का पद दिया गया था, लेकिन जगन्नाथ के विरोध के चलते तारिक को साइडलाइन ही रहना पड़ा। बल्कि जगन्नाथ के अच्छे दिन आ गए 1995 में, जब राव ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो जगन्नाथ को ग्रामीण एवं रोजगार मंत्री, ये नाम बाद में इसी मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय कहा गया, ये बना दिया। इससे पहले एक और सियासी घटना हुई थी जिस पर आपका नज़र डालना ज़रूरी है। जो यूनुस सलीम राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर कटिहार से चुनाव लड़े थे वो 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए जब 1996 के चुनाव आए तो जनता दल ने मजबूरी में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो जम्मू कश्मीर के नेता थे, उन्हें कटिहार से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया। लेकिन इस बार तारिक अनवर, कांग्रेस के तारिक अनवर ने बाजी मार ली और वो जीतकर तीसरी बार लोकसभा पहुंचने में सफल रहे। यूनुस सलीम से भी बदला ले लिया और मुफ्ती मोहम्मद सईद को हराने का श्रेय भी मिल गया।
फिर एक ऐसा दौर आया जब तारिक की मर्जी के बिना कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता था। कब आया ये दौर? जब 1996 में नरसिम्हा राव ने कांग्रेस अध्यक्ष का ताज उतारा और सीताराम केसरी के सर पर रख दिया। इसके बाद शुरू हुए अनवर के अच्छे दिन। पहले वो कांग्रेस समिति के सदस्य बने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, फिर महासचिव बने। ये वही दौर था जब लंबे अरसे से खत्म किया गया कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद पुनर्जीवित किया गया और इस पर जितेंद्र प्रसाद को बिठाया गया। शरद पवार तब टीम केसरी को मजाक में कहते थे दो मियां और एक मीरा। दो मियां से तात्पर्य था तारिक अनवर और अहमद पटेल, जबकि मीरा मीरा कुमार के लिए कहा जाता था, जो बाद में लोकसभा की स्पीकर भी बनी। चचा केसरी की प्रधानमंत्री बनने की हसरत, सरकारें गिरती रहीं, देवेगौड़ा की गई, फिर गुजराल की गई। खुद तो वो पीएम बन नहीं पाए, लेकिन मध्यावधि चुनाव जरूर आ गए। मार्च 1998 में जब चुनाव हुए तो तारिक अनवर एक बार फिर से कटिहार से चुनाव लड़े और फिर से जीते। ये वो दौर था जब जनता दल टूट चुका था और तारिक अनवर को इससे मदद मिली। राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी मदद की। फिर दौर बदला, सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे और तारिक का ग्राफ भी गिरने लगा। अब पटाक्षेप की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन था, एक महीना था, एक साल था, जब देश की टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ी थी। कोई बड़ा सियासी ड्रामा नहीं हो रहा था, देश क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक बेहद अहम मैच देख रहा था। 28 मई 1999, भारत का आखिरी लीग मैच, सुपर सिक्स का मैच दरअसल, भारत और इंग्लैंड के बीच, दोनों के लिए करो या मरो वाली स्थिति। उसी वक्त क्या हो रहा था? कांग्रेस कार्य समिति के तीन सदस्य पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर खत लिख रहे थे और ऐलान कर रहे थे पार्टी से बाहर आने का। हालांकि उधर के लोग कहते हैं कि उनको हमने ही बाहर कर दिया। फिर तीनों मिले और शरद पवार की अध्यक्षता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई और इसी पार्टी के टिकट पर तारिक अनवर अगला चुनाव 1999 का चुनाव कटिहार से लड़े। 99 हारे, 2004 हारे, 2009 हारे, तीनों बार बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी से हारे। तो क्या सियासत खत्म हो गई? जवाब है नहीं, क्योंकि अब वो शरद पवार के करीबी थे और शरद पवार को भी अपनी पार्टी के लिए एक अल्पसंख्यक चेहरा चाहिए था। ऐसा चेहरा जो दिल्ली की सियासत समझता हो, ऐसा चेहरा जो कभी महाराष्ट्र में उनके लिए खतरा ना बन पाए, ऐसा चेहरा जो और राज्यों में उनके विस्तार की हसरतों की पूर्ति के लिए जरूरी हो। और इसलिए तारिक अनवर को 2000, 2006 और 2012 में राज्यसभा भेजा गया ताकि बंगला बचा रहे और सियासत भी। साल 2012 में जब मनमोहन सिंह ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, तब तारिक को शरद पवार के ही विभाग में जूनियर मंत्री बनाया गया। फिर 2014 की मोदी लहर आई, जिसमें तारिक अनवर जीतने में सफल रहे। जी, लगातार तीन चुनाव लोकसभा के हारने के बाद वो 2014 का चुनाव कटिहार से जीत गए आरजेडी की मदद से और पांचवीं बार लोकसभा के सांसद बन गए। सांसद बने, फिर लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े नेता थे शरद पवार, उन्होंने राज्यसभा में आने का फैसला कर लिया था। फिर अचानक खबर आई कि तारिक ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया है इस्तीफा? क्योंकि तारिक को अब अपना भविष्य कांग्रेस में नजर आता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि देर सवेर एनसीपी भी कांग्रेस में अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सियासत है, कयासबाजियों का दौर चलता रहता है और चलता रहता है लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों का सफर। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तारिक अनवर से जुड़ा आपके पास भी कोई किस्सा हो तो उसे भी हमारे साथ साझा करिए। पॉलिटिकल किस्से ये अगर आपको पसंद हैं तो इनको शेयर करिए, उन दोस्तों को जरूर टैग करिए, मेंशन करिए फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पर, जो राजनीति में खास दिलचस्पी रखते हैं। दी लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए लल्लन टॉप की, क्योंकि सबसे पहले पॉलिटिकल किस्से ऐप पर ही अपलोड होते हैं। शुक्रिया।